मॉर्निंग हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अलीगढ़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैकर गौतम। और हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं अलीगढ़ से सीधा लखनऊ गोरखपुर। सो देखते हैं आज गोरखपुर जा पाता है कि नहीं है। 600 से ऊपर किलोमीटर, 600 प्लस किलोमीटर है गोरखपुर इधर से। और हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं, गुड मॉर्निंग। और ये जो जगह है हम लोग स्टे किया था, जगह का नाम है अलीगढ़। अगर आप लोगों ने मेरा इससे पहले वाला ब्लॉग देखा है तो पता है ये है अलीगढ़। और हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं, ये रहा बाइक। और ये है हम लोगों का होटल, होटल स्टार इन। होटल बहुत अच्छा था। मिलते हैं आप लोगों से सीधा मोटर ब्लॉक पे। और अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं, सो इसके लिए आज थोड़ा जल्दी उठे सो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए। सो चलते हैं और मिलते हैं आप लोग से सीधा मोटर ब्लॉक पे। भोलेनाथ सबके साथ। सो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अलीगढ़। सुबह सुबह राइड करने का एक ही मज़ा है, ठंड बहुत लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सो ब्लॉग कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके बताना। पहले वाला ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अभी केदारनाथ का ब्लॉग तो आप लोगों ने देख लिया और घर पर जा रहे हैं अभी होम, सो वो भी देख लीजिए। उसके बाद और नेक्स्ट ब्लॉग का, नेक्स्ट राइड का प्लान होगा, सो वो भी देख सकते हो। अगर मुझे आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो तो रेगुलर अपडेट्स वगैरह पा सकते हो। इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो कर लीजिएगा, तब राइड का अपडेट्स वगैरह पा सकते हो। कितना बढ़िया सा सनराइज, बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइस हम लोग अभी जा रहे हैं आगरा की तरफ, क्योंकि आगरा पहुंचने से पहले उधर से एक्सप्रेस हाईवे लेंगे। आगरा यहाँ से 70 किलोमीटर होगा और शायद थोड़े एक घंटा लगेगा। सो यहाँ पे पेट्रोल भरवा लिया, 1040 रुपये का आया। सो हम लोग अभी आगरा बाईपास पे है और हम लोग है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में जा रहे हैं। एक ड्रीम था, ये भी पूरा होने जा रहा है अभी, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में बाइक चलाने का भी एक ड्रीम था। सोचा नहीं था कि एफजेड पे ही एक्सप्रेस वे में भी बाइक चलाऊंगा। सो ये ड्रीम भी पूरा होने वाला है अभी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल, ओह माय गॉड, लखनऊ ताजमहल। हाँ क्या लग रहा है भाई, मैं आगरा से दिल्ली जा चुका हूँ एक्सप्रेस वे में। मैं जब ताजमहल देखने के लिए आया था आगरा में, तब गया था, बाय रोड गया था, लेकिन खुद का बाइक से नहीं, दूसरे कार पे गया था। सो आज खुद की बाइक से आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। आगे टोल प्लाजा आएगा और टोल देना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सप्रेस हाईवे है। सो यहाँ पे थोड़ा चेन को लिप कर लेता हूँ। मोटुल जिंदाबाद, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, ओ माई गॉड क्या लग रहा है यार। 500 मीटर अहेड वो दिख रहा है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, ऊपर हमको लेफ्ट लेना है अभी और एक्सप्रेस वे में एंट्री हो जाएगा। धक धक कर रहा है मेरा, धक 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 कर रहा है ऐसा।
और हम लोग अभी स्ट्रेट जाएंगे तो आगरा पहुंच जाएंगे, लेकिन हम लोग जा रहे हैं लखनऊ, गति सीमा 50 यहाँ पे। अच्छा ठीक है भाई, देश के सबसे लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर आपका स्वागत है। ओ माय गॉड, देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे। ओके, टेंशन नहीं लेने का, फर्स्ट टाइम है मेरा। स्पीड लिमिट 100। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, स्पीड ट्रिल्स बट किल्स, बी अलर्ट एक्सीडेंट हर्ट। आगे टोल गेट है 500 मीटर, तो यहाँ पे शायद टोल गेट टोल देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। लखनऊ तक जाएंगे, देखते हैं जाके, गोप्रो ऑन ही रहेगा। हरे हरे गंगे की बा, পিছনে তো স্টিকার লাগাই দিব জস দূরের থেকে দেখা যায় আর গাড়িটা। इतने है सर, AS25K8335। गौतम दे, गौतम दे, गौतम दे, DEY दे, असम। सेवन डबल जीरो ठीक है सर। सो थैंक यू सर, आते। सो यहाँ पे अभी टोल देते, लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सप्रेस हाईवे में बाइक चला रहा हूँ तो टोल तो देना पड़ेगा भाई, टोल देके भी मजा आएगा। सो 325 रुपये का टोल, आगे तो देना नहीं पड़ेगा। ठीक, सो 325 रुपये दिया 300 किलोमीटर के लिए। अभी मजा आएगा ना बीरू, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे ड्रीम, फर्स्ट टाइम बाइक का भी टोल दिया, बोल तो सकता हूँ किसी को। ओवरटेक करना है तो 3 नंबर लाइन से, ये ट्रक वाले का लाइन है, मेरा लाइन किधर है भाई? बीच का जो लाइन है वो कार वगैरह के लिए है और उस तरफ ओवरटेकिंग, और ये जो है लाइन ये ट्रक का लाइन है। सो हम लोग का लाइन किधर है भाई? साइड पे। नीचे से ट्रेन लाइन है, ट्रेन की पटरियाँ, क्या मस्त बनाया रे भाई। ओ गॉड, ब्रिज का लुक्स फैंटास्टिक। और एक बात गाइस, जो
लगेज कैरियर था, टॉप रैक था, वो थोड़ा क्रैक हो चुका है, शायद कल परसों से हुआ था, सो देखा नहीं, तो आज देखा थोड़ा टाइम पहले। तो अभी वेल्डिंग दुकान पे जाके उसका कुछ झलाई वगैरह करना पड़ेगा, नहीं तो खराब रोड में टूट जाएगा पूरा का पूरा। थोड़ा फट चुका है, टोटल अभी तक नहीं है यार, पूरा का नहीं फटा, सो सिर्फ थोड़ा फटा है। सो खराब रोड में जाएंगे तो ये पूरा टूट जाएगा, तो भी अच्छा रोड है। सो लखनऊ में जाके देखते हैं कहीं भी मिलेगा तो। सो हम लोग लगभग लखनऊ पहुंच चुके हैं और एक्सप्रेस वे ख़त्म। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो यहाँ पे बाइक पंचर होता पीछे दो, सो वही बनवाया अभी। और यहाँ पे जो ये लोहा है ना, ये खिसक चुका है, तो ये भी बनवाना है अभी आगे जाके। पहुँचने के बाद यहाँ पे अभी एक वेल्डिंग का शॉप दिखा है, यहाँ पे अभी इसका मरम्मत होगा। ये देखिए, ये इधर से पूरा टूट चुका है, पूरा तक नहीं टूटा है, और ये देखिए, ये समझ में आएगा, इस तरफ से यहाँ तक टूट चुका है, थोड़ा बाकी था, तो ये टूटने के बाद पूरा काम ख़त्म हो जाता। सो अभी इसको ठीक करते, उसके बाद आप लोगों से मिलता है, ओके। यहाँ पे पूरा प्रेशर यहाँ पे आ रहा है, पूरा का पूरा प्रेशर, ये भी टूट चुका है देखो अभी यार, पूरा का पूरा गया, तो पूरा टूट चुका है। देखते हैं अभी क्या करते हैं। सो गाइस, फिर से अभी ठीक कर लिया है भाई, नया करके जलाई वगैरह कर दिया, तो अभी फुल सेट है और सूरज भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ। तो फिर से अभी चलते हैं गोरखपुर की तरफ, फर्स्ट आएगा अयोध्या, तो देखते हैं अयोध्या में जाएंगे कि नहीं। सो अभी जैसे चलते हैं, यहाँ पे एक भैया है, भैया ने ठीक कर दिया, सो अभी चलते इधर से। अभी भी हम लोग लखनऊ में ही है, सो बाइक वगैरह ठीक करके और फिर से पेट्रोल भरवा लिया 520 रुपये का, देखते हैं आज गोरखपुर जा पाते हैं कि नहीं है। यहाँ से तो 200 से ऊपर है, 240 किलोमीटर है यहाँ से गोरखपुर। गोरखपुर तो मेन सिटी नहीं है, गोरखपुर बाईपास तक ही है, 240 किलोमीटर। तो अभी टाइम हो रहा है 4:40, सो 4 घंटा बता रहा है। अयोध्या 115 किलोमीटर, 115 किलोमीटर, कोई बात नहीं भाई, आराम से पहुंच जाएंगे। 1 hour later, सो गाइस हम लोगों के पहुंच चुके हैं अयोध्या, हम लोग अभी जा रहे हैं राम मंदिर जाएंगे देखने के लिए, देखता हूँ जाके खुला है कि नहीं है ना, बंद है, कुछ भी आइडिया नहीं है कि खुला है या बंद है। सो दिवाली के दिन होते तो बहुत अच्छा होता, कोई नहीं आज जाके देख लेते, ओके। सो वही पे जाके मिलते हैं आप लोगों से, इस राम मंदिर देखने के लिए जा रहे हैं। राम मंदिर यहाँ से 2.8 किलोमीटर है, तो 5-6 मिनट लगेगा शायद, थोड़ा बहुत जाम भी है, ओबियसली राम मंदिर है तो जाम तो ट्रैफिक तो होगा ही थोड़ा बहुत, तो बाइक लेके जाने देगा कि नहीं कुछ भी आइडिया नहीं है। ओह माय गॉड, कितना सुंदर करके सजाया,
सो अयोध्या बाय बाय। सो राम मंदिर गए थे लेकिन अंदर जाने नहीं दिया क्योंकि 6 बजे बंद हो जाता है और हमको पता नहीं था कि 6 बजे बंद होता है। सो वैसे ही थोड़ा घूम के आ गए लेकिन अंदर ही सब कुछ दिखता है बहुत ही अच्छे तरह से। सो कोई नहीं और अभी हम लोग गोरखपुर के लिए निकल चुके हैं। अभी टाइम हो रहा है 8:40 PM और गोरखपुर यहाँ से 100 से ऊपर है तो देखते हैं आज कितना जा सकते हैं। कोई फिक्स्ड नहीं है कि कितना जाऊंगा सो जितना हो सके उतना जाऊंगा। सो अभी हाईवे पे पकड़ते हैं और जहाँ पे रुकते हैं वहाँ पे जाके मिलते हैं आप लोग से। ओके सो गाइस कल रात को लेट हो गया था आते आते 10 बज गए थे। सो बस्ती तक आके पहुँचे हैं अलीगढ़ से बस्ती तक। सो ब्लॉग को अभी समाप्त करते हैं। ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो जरूर से ब्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बिल्कुल ना भूले। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। आदि देव शंकरा।